हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का ये टॉपिक पावर पॉइंट का है और पावर पॉइंट में एक ब्रिज से होकर गुजरे की कार कुछ ऐसा एनिमेशन हम बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करता हूं। यहां पर आपको लिखना है पावर पीएनटी। इस तरीके से लिखिए पावर पीएनटी। पावर पीएनटी इज अ कीवर्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए आपको लिखना होगा पावर पीएनटी, और जैसे ही आप पावर पीएनटी लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन होने लगेगा सीधा, और यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही क्लिक करूंगा तो एक नई विंडो मेरे सामने ओपन होगी। ये देखिए ये विंडो ओपन हो चुकी है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए तो इसे मैं हटा देता हूँ। ये जो बॉक्स सा दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करके इस तरह से आप इसे हटा लें, और फिर इंसर्ट पे चलना और शेप्स इंसर्ट करानी है हमको। हम एक ब्रिज बनाना चाहते हैं जो ब्रिज लाइक शेप दिखे, उसमें लगे कि ये ब्रिज है। तो अभी क्या करना है, अभी हमें यहां से शेप्स लेना होगा। तो शेप कहां से आएगा, तो ये देखिए यहाँ पे शेप दिया हुआ है, यहां पर चलना है और यहां से ये जो बॉक्स दिया हुआ है रेक्टेंगल बॉक्स, इसको ले लेता हूं, ठीक है। और यहां से इस तरीके से इसे ड्रैग करूंगा। ये देखिए ये मैंने ड्रैग करा और ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब इसी की कॉपी बना लेता हूं वाला है, और यहां पर कंट्रोल के साथ सी फिर कंट्रोल के साथ वी प्रेस कर दीजिए तो ये पेस्ट हो गया। अब पेस्ट करने के बाद यहां पर लाके इसे रख देता हूं। ये देखिए तो ये दो ब्रिज क्रिएट हो गए, ठीक है। अब इस ब्रिज के ऊपर एक हमें छत भी बनानी होगी इसकी, तो इसके लिए क्या करेंगे, वापस से हम क्या कर सकते हैं, इसी को पेस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल वी करता हूं, ये पेस्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये एक एरो टाइप का आपको दिखाई पड़ रहा है ऊपर, ध्यान से देख लीजिए। अब इसको पकड़ के आप ऐसे घुमाइए तो ये तिरछा ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। घूमने के बाद आपको क्या करना है, सीधा ला करके इसको इसी के ऊपर रख देना है इस तरीके से, ठीक है। और रखने के बाद यहां से यहां तक इसे ड्रैग करा दीजिए, ठीक है। ये पूरा ड्रैग करा दिया हमने, और इसको यहां तक आप फैला दीजिए पूरा इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए, ये जो है ना, ये जो ब्रिज का खंभा बना हुआ है इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहां से आपको जाना है कहां, यहां से हमें चलना है सीधा होम टैब पर, और होम टैब पे जाने के बाद ये शेप फिल आ रहा है, तो यहां पर चल करके इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, लाइक ये कलर बना देता हूं, और इसको भी एक इसी तरह का कलर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहां पे सेव फिल पे क्लिक करके और सेम इसी तरह का एक कलर हम इसको भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इस तरह का कलर हमने प्रोवाइड कर दिया है, और ये ब्रिज का कलर भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहां पर जाइए और यहां से कोई दूसरा कलर आप ले लीजिए, लाइक ये कलर, ठीक है। और आप चाहे तो आउटलाइन का कलर भी बदल सकते हैं, लाइक रेड करना चाहे तो रेड कर सकते हैं। ये देखिए आउटलाइन का कलर रेड हो गया, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, यहां पर एक कार चलानी है, तो वो कार आएगी कहां से, अब हमको यहां पर जाना है। ये पिक्चर्स आपको दिखाई पड़ रहा है, यहां पर आपको जाना पड़ेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का 2019 वर्जन है, तो यहां पर आपको क्लिप आर्ट ऑप्शन मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर आप पुराने वर्जन यूज करते हैं तो वहां आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन पिक्चर्स पे चलना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई पिक्चर मौजूद नहीं है, तो यहाँ ऑनलाइन पिक्चर पे जाना है हमें। थोड़ा टाइम लगेगा, ये सर्च करेगा और फिर आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वहां पर आपको सर्च करना है कार, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट, तो हम यहां ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो यहां ट्रांसपेरेंट कार ये लिख दिया मैंने और एंटर प्रेस किया, तो यहां पे हमें ट्रांसपेरेंट कार चाहिए। तो ये ट्रांसपेरेंट कार आपके सामने आ गई है। अब आपको जो ठीक लगता है, लाइक मुझे ये सही लग रहा है, तो इसे आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहां पर आपको ये डाउनलोड होगा थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसकी साइज को यहां से छोटा कर लीजिए, रिसाइज कर लीजिए। हमने इसे इस ब्रिज के ऊपर रख दिया है, ये वो कार है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको चलाएंगे, मूव कराएंगे। तो मूव कैसे करा सकते हैं, तो एनिमेशन पे जाना है, ठीक है। एनिमेशन पे जाने के बाद यहां पर ये जो एरो बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। कौन सा एनिमेशन चाहिए हमें मोशन पाथ चाहिए, मोर मोशन पाथ। तो यहां पर आपको बहुत सारे मोशन पाथ मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमें यहां पे लेफ्ट जाना है, ठीक है। कहां जाना है, लेफ्ट जाना है। तो ये देखिए ये राइट दिया हुआ है और इसी में लेफ्ट आपको मिल जाता है। यहां पे हमें लेफ्ट लेके जाना है इसको, तो यहां से लेफ्ट वाला चूज करना है हमको। और यहाँ पे ड्रॉ का एक ऑप्शन आता है, आप ड्रॉ देख लीजिए, अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो वो और ज्यादा बेटर रहेगा। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहां से लेफ्ट पे क्लिक किया हमने, तो लेफ्ट पे क्लिक करने के साथ ही ये लेफ्ट चलेगा, ठीक है। और इसको ओके कर देंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा इसको ऊपर करके दिखाता हूं। ये देखिए ये इस तरीके से होगा, और यहां पर अगर मैं इसको यहां से बढ़ा देता हूं लाइक इस तरीके से, तो ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब अगर मैं इसको यहां से स्लाइड शो करता हूं तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से चलेगा। एंटर प्रेस करता हूं तो ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है आपको, ठीक है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।